देखिए, जैसा कि आप सब बच्चे जानते हो कि आपके एग्ज़ाम्स एकदम ही पास हैं, और पास क्या बिल्कुल है ही, तो एज ए लॉ फैकल्टी मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि लॉ को किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आपको स्टडी करनी है। मेरा ऑब्जेक्टिव है मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम चीज़ें बताना। मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी, इट्स अ वेरी क्रूशल टाइम, आई नो वेरी वेल। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे अपनी अपनी सारे पॉइंट्स आपके सामने बताती हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक मेरा है हाउ टू स्टडी लॉ, कि लॉ के प्रोविजंस कैसे, लॉ का पेपर कैसे तैयार करना चाहिए, और जैसे कि सीएस एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट पेपर कहीं ना कहीं लॉ के होते हैं, तो किस तरीके से आपको उसको कॉप अप करना चाहिए। देखिए, जब भी कभी आप लॉ पढ़ते हो तो उसके रीड ऑल द प्रोविजंस, कि आपको सारे प्रोविजन याद करने हैं। जैसे कि मैम एक एग्जांपल देके बता दीजिए, सपोज करो आप पढ़ रहे हो सेक्शन नंबर 96, तो 96 का ऐसा नहीं है कि एक प्रोविजन पढ़ लिया एक छोड़ दिया। अगर आप सेक्शन 96 पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि पूरा 96 पढ़ लो। 96 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, उसके सारे प्रोविजन को साइमल्टेनियसली रीड करो और फिर उनको कनेक्ट करो, फिर उनके सारे प्रोविजन आपस में कनेक्ट करो। अच्छा, हर कंपनी को एजीएम करनी है, एवरी ईयर करनी है, द कैप इज 15 मंथ्स, टाइम ये रहेगा, डे ये रहेगा, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अगर आप उससे एग्जेम्पशन ले लेते हो, परमिशन ले लेते हो, तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से उसकी स्टडी करो कि आपको पता ही ना चले कि हमने पूरा का पूरा सेक्शन रिवाइज भी कर लिया और सारे सब सेक्शंस भी कवर हो गए। आपने एक सेक्शन पढ़ा 96, उसका सिर्फ एक ही सब सेक्शन पढ़ा, दूसरा नहीं पढ़ा, तो जो फर्स्ट पढ़ा उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सब सेक्शन 2 से भी आ सकता है। तो मेरी आपको यही बताना था कि जैसे एक भी सेक्शन अगर पढ़ रहे हो तो सेक्शन को पूरा कवर करने की कोशिश करो। अगर आधा अधूरा सेक्शन आप पढ़ के जा रहे हो और आपको यही नहीं पता 1 में क्या है, 2 में क्या है, तो भी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सीक्वेंशियली पढ़ो, रिपीट करो फिर उस प्रोविजन को। अच्छा, इसमें फर्स्ट में ये है, सेकंड में है, थर्ड में है, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, जितनी बार भी रिपीट कर सकते हो उसे रिपीट करो। फिर उसे ना प्रोविजन को विजुअलाइज करो, विजुअल इमेज मतलब रजिस्टर बंद करके सोचो, अच्छा इसमें ये था, इसमें ये था, उसे थोड़ा टाइम दो, जस्ट गिविंग 1 to 2 मिनट्स, उसे विजुअलाइज करो, फिर फोकस ऑन कीवर्ड्स। यस, मेरा तो आपको, सभी बच्चे जो मुझसे डायरेक्टली पढ़ते हैं आपको पता ही है कि मैं कीवर्ड्स क्रक्स कितना ज़्यादा फोकस कराती हूँ, क्योंकि एग्जाम के टाइम्स पे इतना इंपॉर्टेंट होता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, यू नो वेरी वेल, सिलेबस इतना ज़्यादा है कि उसे कॉप अप करना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि बच्चे ना क्रक्स पढ़ें। एग्जाम टाइम पे आप सारी चीज़ें अगर पढ़ना चाहो तो नहीं पढ़ सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, कि क्योंकि एक भी दिन नहीं है, दिन एक भी नहीं है, पॉइंट यही तो है कि दिन एक भी नहीं है रिवाइज करने के लिए, कुछ घंटे हैं, चंद घंटे हैं, और चंद घंटों में जो 4 महीने 3 महीने में आपने लगातार चीजें पढ़ी हैं उसको कैसे रिवाइज करोगे। और आपने एग्जाम से पहले कितना भी पढ़ा, आपने कितने भी प्रोविजन करे, दैट इज नॉट द इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज दैट कि जिस समय आपका एग्जाम था उस समय आपने कैसे पढ़ा, उस समय आपने कैसे रिवाइज करा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मेरे तरफ से यही टिप्स होगा कि एग्जाम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा चीजें रिवाइज करने की कोशिश करो, फोकस ऑन कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को फोकस करो, कीवर्ड्स को डार्क करो और उन पे कहीं ना कहीं उनको बार बार रिपीट करते रहो, फोकस करते रहो, रिवाइज करो। देखिए, आप क्या समझते हो पूरा पढ़ा जाता है, एग्जाम टाइम में जस्ट पेपर को आगे पीछे किया जाता है, और पेपर भी आप सारे निकाल लो, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, पेपर कुछ ही क्वेश्चंस से आता है, कुछ ही सेक्शंस से आता है, लेकिन आपको पढ़ना सारा पड़ता है, क्योंकि आईसीएसआई आपका पोटेंशियल चेक करती है कि आपको कितनी चीजें याद रहती हैं। तो ध्यान रखना, घबराना नहीं है, कीवर्ड्स फोकस करना है, रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है। तो पहले मैंने क्या बोला, रीड ऑल द प्रोविजन, रिपीट ऑल द प्रोविजन, विजुअलाइज ऑल द प्रोविजन, फोकस ऑन कीवर्ड्स, कीवर्ड्स पे आपको बहुत बहुत ज्यादा फोकस करना है। वो स्ट्रैटेजी मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखी है, क्रक्स में छोटे छोटे पॉइंट्स में बना बना के क्या चीज अवॉइड करनी है। हाँ जी, पॉइंट टू बी नोटेड, अवॉइड न्यू थिंग्स, R&D करने मत बैठ जाना, कोई भी नई किताब, कोई भी नई चीज बिल्कुल फॉलो मत करना। अगर आपने गलती कर दी, कॉन्फिडेंस डाउन। ये आपका जो टाइम चल रहा है ना, अभी फिलहाल जो आपका टाइम चल रहा है, वो कहीं ना कहीं टाइम किस चीज का चल रहा है, वो टाइम चल रहा है कॉन्फिडेंस ओन करने का, फियर गोन करने का। आपने नई बुक्स, नई प्रोविजंस, नई चीजें उठाई, समझो गए आप, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। ये समय जो चीजें लिख रखी है, मैंने आपको तभी तो बताया था कि एग्जाम के क्वेश्चन खुद से लिख के देखा करो और उसे एग्जाम टाइम पे रिवाइज करो। कितनी स्ट्रैटेजीज तो आपके साथ शेयर कर रखी हैं। उसी के साथ रिव्यू पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, जब आप सुबह पेपर देने जा रहे होंगे तो जितने पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन हैं उन्हें एक बार देख लो,
उससे क्या होता है कि आपका पेपर का फॉर्मेट पता चलता है कि एक्चुअल में पेपर किस तरीके का आता है, आपने क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पढ़ी, लेकिन उसको फिट करना ज़रूरी है, उसको किस तरीके से लिखना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको चीज़ें आती हैं लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो भी बेकार है। तो रिव्यू पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, क्वेश्चन का प्रोविजन ये है उसने ऐसे पूछा। अच्छा, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आपने पूरा डिविडेंड का चैप्टर पढ़ लिया, आपने डिविडेंड की डेफिनेशन पे ध्यान नहीं दिया। जैसे डिविडेंड की डेफिनेशन आप देखोगे तो उसमें लिखा है डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, इट मींस ऑल द प्रोविजंस ऑफ डिविडेंड इज आल्सो एप्लीकेबल टू इंटरिम डिविडेंड। आपने पूरा डिविडेंड के सारे सेक्शन पढ़े 123 से 127, लेकिन इस पॉइंट पे फोकस नहीं करा और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया लेकिन उसे सबमिट नहीं किया, तो क्या वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन है या नहीं है? तो आंसर इज दैट, कैसे इसका आंसर कैसे लिखना होगा, कहां से उठाना होगा, डेफिनेशन से कि डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, ऑल प्रोविजंस विच आर एप्लीकेबल टू द फाइनल डिविडेंड, द सेम प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू द इंटरिम डिविडेंड। अगर आपने ये चीज ध्यान से विजुलाइज करिए, कहां से पता चली, एग्जाम के क्वेश्चन से। तो एग्जाम का क्वेश्चन देखना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद रिवीजन स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए, रिवीजन स्पीड आपकी इतनी हाई होनी चाहिए कि आप फटाफट 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 मिनट में एक एक चैप्टर निकाल दो। रिवीजन स्पीड बहुत बहुत हाई होनी चाहिए। और अगर आपको सेक्शंस याद है तो सोने पर सुहागा है, और मैं कुछ टेक्निक्स के साथ आपको सेक्शंस याद कराती भी हूं। तो अगर सेक्शंस लिखते हो, मैं ये नहीं कह रही सारे सेक्शन लिखना जरूरी है, अगर लिख सकते हो तो सोने पर सुहागा है। तो मैम आज से सेक्शन याद करने शुरू कर दे, बिल्कुल भाई, आप एक लॉ का पेपर दे रहे हो, कोशिश करो टेक्निक्स, इसीलिए मैंने टेक्निक्स बनाई है। ह्यूमन बीइंग ये चीज़ें भूल जाते हैं, क्या क्या याद रखेंगे, टेक्निक्स से याद करो। जैसे मैं आपको सिखाती हूँ सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 268, 271, 272, मैंने सारी चीज़ें आपको बहुत सारे लगभग 40 सेक्शन तो ऐसे रट के रखो जो आपको एग्जाम में कोट करने हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि करना ज़रूरी नहीं है कि सारे सेक्शन याद करो, बट कुछ सेक्शन याद होने चाहिए, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पे, और कहीं ना कहीं उसकी उसकी आइज में एक आपकी इमेज बनती है और वो आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मार्क्स देता है। तो लास्ट टाइम पे देखिए मेरा कोशिश है कि मैं कम से कम टाइम आपको लूँ, बहुत क्रूशियल टाइम है। हाउ टू स्टडी द लॉ पेपर, रीड ऑल द प्रोविजन, पूरा सेक्शन रीड करना है और मैं पूरे सेक्शन वाइज ही पढ़ाती हूँ, पूरे बेयर एक्ट के थ्रू आपको स्टडी करा के एनालाइज कराती हूँ। नंबर टू, रिपीट ऑल द प्रोविजन, विजुलाइज द प्रोविजन, प्रोविजन को क्या करना है, विजुलाइज करना है, फोकस ओनली ऑन कीवर्ड्स, एग्जाम टाइम में सिर्फ कीवर्ड ध्यान रहना चाहिए। एंड क्रक्स वही चीज होती है, क्या चीज अवॉइड करनी, कोई नई किताब, कोई नई राय, कोई दोस्तों की बातें, सब अवॉइड करनी है। रिव्यू क्या करना है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, और रिवीजन की स्पीड बहुत बहुत हाई करनी है, और कहीं ना कहीं आपको सेक्शंस अगर याद है तो लिखने की कोशिश करनी है। अगर गलत सेक्शन याद है तो गलत सेक्शन कोट नहीं करना, ध्यान देना बच्चों। अगर सेक्शन याद है तो बहुत अच्छी बात है, सेक्शन याद नहीं है तो गलत सेक्शन मत लिखना, फिर लिख देना एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। आई थिंक सो, मैंने जो मेरे पास एज ए प्रोफेशनल गाइडेंस थी मैंने आपको देने की कोशिश करी। आप अपने एग्जाम में किस तरीके से क्या क्या चीजें नहीं करनी वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका सारा टाइम कंज्यूम करूं। होप सो आपको ये चीजें, अगर ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे तो आप इसे अपने प्रोफेशनल एग्जाम में कहीं ना कहीं इसको फॉलो कीजिए, और इससे आपको काबिलियत, इससे आपको सक्सेस आसानी से मिलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।